अगर किसी का प्रीवियस लेक्चर में कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। आज हमारा टॉपिक है रिग्रेशन। ये रिग्रेशन कोरिलेशन से मिलता जुलता है। कोरिलेशन में हमें स्ट्रेंथ ऑफ लीनियर रिलेशनशिप का पता चलता था कि दो वेरिएबल्स के दरमियान स्ट्रेंथ कितनी है, कितनी मजबूती के साथ वो आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है। लेकिन रिग्रेशन में हमारे पास ऐसा नहीं होता, हमें स्ट्रेंथ का नहीं पता चलता, लेकिन हमारे पास एक मॉडल बिल्ड हो जाता है जिसकी मदद से हम किसी वैल्यू को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हमारे पास एक ऐसा मॉडल आ जाता है जो कि पूरे रिलेशनशिप को एक्सप्लेन कर रहा होता है, ठीक है। अ मॉडल डैट रिप्रेजेंट्स लीनियर रिलेशनशिप ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड सिंपल लीनियर रिग्रेशन। कोरिलेशन से एक डिफरेंस इसका यह भी है कि कोरिलेशन में हमारे पास, सिंपल कोरिलेशन में हमारे पास फर्क नहीं था कि कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट है, ठीक है। लेकिन इसमें हमें ये चीज़ आपस में अपने फोकस में रखनी पड़ेगी कि हमारे पास एक्स और वाई में से, या जो हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, उन दोनों वेरिएबल्स में कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है और कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, ठीक है। उसकी मदद से ही हम अपना मॉडल बिल्ड करेंगे और किसी भी वैल्यू को प्रोडिक्ट कर सकेंगे, ठीक है। हमारे पास ये मॉडल है वाई हैट इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। इसमें एक्स जो वेरिएबल है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक है। एक्स वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई वेरिएबल हमारा डिपेंडेंट है जो कि एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। वाई एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है और एक्स हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जब ये सिचुएशन होगी तो हमारे पास जो बी होगा इसमें ए को हम इंटरसेप्ट बोलते हैं, इंटरसेप्ट, और बी को स्लोप बोलते हैं, ठीक है। बी हमारे पास, इसका फार्मूला है एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई, सेम उसी तरह से जैसा कि कोरिलेशन के अंदर हमारे पास था, डिवाइडेड बाय। कोरिलेशन में हमारे पास नीचे दो टर्म्स थी जो मल्टीप्लाई हो रही थी, यहाँ पर सिर्फ एक है जो कि एक्स के साथ है, एन समेशन एक्स स्केयर माइनस समेशन एक्स का होल स्केयर, जो हमारे पास एक्स और वाई में से इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। एक्स और वाई में से जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो हमारा डिवाइजर में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इंटरसेप्ट का फार्मूला है वाई बार अरिथमेटिक मीन ऑफ वाई माइनस बी, जो हमने ऊपर स्लोप फाइंड किया है वो यहाँ पर बी आ जाएगा, और अरिथमेटिक मीन ऑफ एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम वाई में से माइनस करेंगे, वाई बार में से माइनस करेंगे तो हमारे पास इंटरसेप्ट की वैल्यू आ जाएगी। तो ये दो वैल्यूज हम इस मॉडल के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास एक मॉडल की शक्ल बन जाएगी, ठीक है। समझ आ गई इसकी, इसको फर्दर हम पढ़ते हैं। इसमें हमारे पास कोरिलेशन की तरह दो वेरिएबल ही होंगे, एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल, ठीक है। इस एग्जांपल में एक्स एक्स हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। और जब हम अपने फार्मूला की तरफ देखते हैं तो हमें चाहिए एक्स और वाई का प्रोडक्ट और एक्स स्केयर। कोरिलेशन की तरह हमें वाई स्केयर नहीं चाहिए,
तो इसलिए हमें वाई स्क्वायर अलहदा से फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। हम जस्ट ये चार कॉलम्स बनाएंगे, एक्स हमें गिवन होगा, वाई भी गिवन है, इन दोनों का प्रोडक्ट एक्स वाई हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, और फिर एक्स स्क्वायर हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स वैल्यूज का स्क्वायर करके। जब हम एक्स की वैल्यूज को सम करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 102। वाई की वैल्यूज को जब हम सम करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 302। एक्स और वाई का प्रोडक्ट है, उसका सम करते हैं तो हमारे पास आता है 3853। जब हम एक्स का स्केयर, या एक्स टू नहीं है, एक्स का स्केयर है, ठीक है, एक्स स्केयर को जब हम सम करते हैं तो वो हमारे पास आंसर आता है 1308, ठीक है, समझ आ रही है इसकी। क्योंकि हमें वाई स्केयर की जरूरत ही नहीं थी फार्मूला के अंदर, तो इसलिए हमने वाई स्केयर फाइंड नहीं किया, ठीक है। हम स्लोप और इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड करने से पहले इनका एक प्लॉट बनाते हैं जिसको स्कैटर प्लॉट कहते हैं, जिसकी मदद से हमें पता चल जाता है कि एक्स और वाई के दरमियान रिलेशनशिप कैसा है, ठीक है, हमें कुछ आइडिया स्कैटर प्लॉट की मदद से हो जाता है। हमारे एक्स वेरिएबल जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक्स एक्सिस पे होगा, हमारे पास जो वेरिएबल इंडिपेंडेंट होगा वो एक्स वेरिएबल हो एक्स एक्सिस पे होगा, और जो वेरिएबल हमारा डिपेंडेंट है वो वाई वेरिएबल पे हो वाई एक्सिस पे होगा, ठीक है। तो जब हम देखते हैं हमारे पास पहली वैल्यू आती है 5x है और वाई 16 है, 5x ये है और वाई 16 यहाँ पर ये पॉइंट आ जाता है। इसी तरह से हमारे पास बाकी तमाम पॉइंट्स आ जाएंगे। तो ये हमें तकरीबन स्ट्रेट लाइन बताता है जो कि है इंक्रीजिंग ट्रेंड है जिसका, विद द पैसेज जब हमारे पास एक्स इंक्रीज होता है तो वाई की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। अब हम अपने फार्मूला की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास टोटल एन, वहाँ पर भी कोरिलेशन में भी नंबर ऑफ पेयर्स था, रिग्रेशन में भी नंबर ऑफ पेयर्स होगा। रिग्रेशन में कितने, इसमें इस क्वेश्चन में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पेयर है हमारे पास, तो एन इज इक्वल टू 9। समेशन एक्स वाई हमारे पास है 3853, 3853 पुट कर दिया, समेशन एक्स 102, समेशन वाई 302 डिवाइडेड बाय एन हमारे पास 9, समेशन एक्स स्क्वायर हमारे पास 1308 आ गया, यहाँ पर पुट कर दिया, समेशन एक्स का होल स्क्वायर, समेशन एक्स 102 इसका होल स्क्वायर, ठीक है, समझ आ रही है इसकी। जब हमने ऊपर वाली वैल्यूज को सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर आया 3873, ठीक है। जब हमने नीचे वाले जी जब हमने नीचे वाली वैल्यूज को सिंपलीफाई किया तो हमारे पास आंसर आया 1368, ठीक है। जब हमने इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास सिंपलीफाई होने के बाद स्लोप की जो वैल्यू आई है वो है 2.831, ठीक है। अब हम स्लोप की मदद से इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड करेंगे। हमारे पास है वाई बार माइनस बी एक्स बार, हमें पता है कि वाई बार का जो फार्मूला है वो समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन होता है, समेशन समेशन वाई डिवाइडेड बाय एन,
समेशन वाई हमारे पास 302 है, डिवाइडेड बाय एन हमारे पास 9 है, माइनस 2.831 मल्टीप्लाइड बाय 102 जो कि समेशन एक्स है, डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, जब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, जब हम इंटरसेप्ट को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.48। ठीक है, 1.48। तो हमारे पास जो एक्स और वाई की वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए जो मॉडल बना उसमें है वाई हैट इज़ इक्वल टू 1.48 प्लस 2.831 एक्स। अब हम एक्स के अंदर कोई वैल्यू पुट करेंगे तो हमें वाई की वैल्यू प्रेडिक्ट हो सकेगी, लेकिन कोरिलेशन में हमारे पास ये सिचुएशन नहीं थी। कोरिलेशन में हम किसी वैल्यू को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन रिग्रेशन की ये खूबी है कि इसके अंदर जो मॉडल बनेगा इसमें हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू प्रेडिक्ट हो जाएगी। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन भी है, वो ये है कि हम x की वैल्यू सिर्फ वो पुट कर सकते हैं जो कि हमारे पास जो गिवन डाटा है इसकी रेंज के अंदर से कोई भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, इसकी रेंज के बाहर हम नहीं जा सकते। हम कोई सी भी x की वैल्यू 5 से लेकर 17 तक किसी भी वैल्यू को यूज़ करते हुए y की वैल्यू को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम x से जो कि x की मिनिमम वैल्यू जो कि 5 है इससे छोटी वैल्यू या x की मैक्सिमम वैल्यू जो कि 17 है उससे ग्रेटर वैल्यू हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप स्कैटर प्लॉट देखो तो हमें पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का ट्रेंड क्या है, लेकिन इससे आगे ट्रेंड क्या होगा, अपवर्ड ही जाता रहेगा या कांस्टेंट हो जाएगा या डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, हमें नहीं पता। इससे पहले क्या था, इसी तरह से कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा था या सडन इंक्रीज आया या डिक्रीज होता हुआ यहाँ से इंक्रीज होना शुरू हुआ, हमें इससे पहले की इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हम इससे पहले के प्रेडिक्ट नहीं कर सकते और इससे आगे वाली वैल्यू को भी हमें नहीं पता, तो इससे आगे वाली भी हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हम जस्ट 5 से 17 के अंदर रहते हुए कोई सी भी वैल्यू प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये एग्जांपल है कि अगर हमने y की वैल्यू प्रेडिक्ट करनी है व्हेन x इज इक्वल टू 11, हमारे पास जो गिवन डाटा है इसके अंदर 11 नहीं है, x की वैल्यू 11 नहीं है, हम x की वैल्यू 11 पुट करके y की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, x की जगह पर हम 11 पुट करेंगे तो हमारे पास 1.48 प्लस 2.831 मल्टीप्लाइड बाय 11। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास y हैट का जो आंसर आएगा वो है 32.621। तो हम इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे, द वैल्यू ऑफ y विल बी 32.621 ऑन द एवरेज। हमने ऑन द एवरेज वर्ड यूज़ करना है व्हेन वी हैव x इज इक्वल टू 11। आपने इंटरप्रिटेशन के अंदर ऑन द एवरेज वर्ड लाजमी तौर पर यूज़ करना है, क्योंकि जब ये 11 है तो ये इंक्रीज भी हो सकता है डिक्रीज भी हो सकता है, लेकिन ऑन द एवरेज इसका मीन तकरीबन यहाँ पर आएगा जो कि हमारे पास 32.621 है। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट का कोई प्रॉब्लम है, किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं। सर, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का दोबारा बताना। हमारे पास
जो रिग्रेशन होगी वो दो दो वेरिएबल्स पे डिपेंड करेगी, दो वेरिएबल्स से हम फाइंड करेंगे रिग्रेशन को, उनमें से एक वेरिएबल हमारे पास डिपेंडेंट होगा और दूसरा वेरिएबल इनडिपेंडेंट होगा, ठीक है। अगर तो वेरिएबल्स के नेम क्वेश्चन के अंदर एक्स और वाई हैं, ठीक है, एक्स और वाई हैं, तो हमारे पास जो एक्स वेरिएबल होगा वो हमेशा इनडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और जो वाई होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक है। अगर एक्स और वाई की सूरत में हमारे पास सर डाटा डाटा मौजूद है तो एक्स हमारा इंडिपेंडेंट, वाई हमारा डिपेंडेंट होगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई रियल लाइफ एग्जांपल आ जाते हैं हमारे पास तो हमें कॉमन सेंस से पता चलना चाहिए कि उनमें से कौन सा डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट है, ठीक है, समझ आ रही है? जी सर, ठीक है जी, आगे समय सर। सही। तो इसके अलावा एक और चीज है जो कि है इंटरसेप्ट और स्लोप की इंटरप्रिटेशन। हमारे पास ये 1.48 आंसर आया, ये क्या चीज डिनोट करता है, इससे क्या मतलब है? 2.831 आंसर आया, इसका क्या मतलब है? ठीक है, इसकी इंटरप्रिटेशन कुछ इस तरह से है कि पहले अगर मैं स्लोप की इंटरप्रिटेशन बताता हूँ कि अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो कि हमारे पास यहाँ पर एक्स है उसमें एक यूनिट इंक्रीज करें, इसमें एक यूनिट इंक्रीज करें, तो वाई में जो चेंज आएगी वो ऑन द एवरेज 2.831 के इक्वल आएगी। अगर हम एक्स के अंदर एक यूनिट इंक्रीज करें या एक यूनिट चेंज करें, इंक्रीज भी कर सकते हैं डिक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है, तो वाई के अंदर जो चेंज आएगी वो 2.831 के इक्वल आएगी। अगर हम यहाँ पर 1 पुट करते हैं तो यहाँ ये इंक्रीज हो जाएगा, अगर 2 पुट करते हैं तो 1 की निस्बत ये 2.831 यूनिट मजीद आ जाएंगे, अगर यहाँ पर हम 3 पुट करते हैं तो 2 की निस्बत एज कम्पेयर टू 2 2.831 इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगर हम एक्स में एक यूनिट इंक्रीज करें तो वाई में जो चेंज आती है वो स्लोप के बराबर आएगी जो कि 2.831 है। इसी तरह से इंटरसेप्ट है कि अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू 0 हो जाए, अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू 0 हो जाए तो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल की कोई ना कोई वैल्यू आती है और वो वैल्यू 1.48 के इक्वल आएगी। इसकी रियल लाइफ एग्जांपल कुछ इस तरह से हो सकती है कि अगर आप फर्टिलाइजर ना भी यूज करो, अगर आप कोई भी फर्टिलाइजर ना यूज करो तो फिर भी प्लांट की कुछ ना कुछ ग्रोथ जरूर होगी। ऐसा नहीं है कि प्लांट ग्रो ही ना करे, प्लांट की ग्रोथ होगी, उसकी हाइट हो सकता है कम हो लेकिन उसकी ग्रोथ होगी, ठीक है। जब हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू 0 आएगी तो डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू कुछ ना कुछ जरूर होगी, तो वो 1.48 जो कि हमारा इंटरसेप्ट है उसके इक्वल आएगी, ठीक है, समझ आ गई? अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है किस पॉइंट की समझ नहीं आई तो वो पूछ सकते हैं। क्लियर है सबको?